आई अस्सलाम वालेकुम जी। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं, बस एक सफ़ेद कपड़ा लिया जो अरबी तोप थी जो मुझे मिल गई थी, और मैंने उसको फाड़ फूड के जो है ना इसके साइज़ का करने की कोशिश की है, और एक छोटी सी सीज़र है मेरे पास जिससे मैं अपने वो हल्के फुल्के बाल वगैरह उतार लेता हूँ, काट लेता हूँ, और एंची टेप की ज़रूरत नहीं, वैसे ही इसके साथ मेजर करके मैंने गुजारा कर लिया। और उसके अलावा जो कारपेट के नीचे मैट पड़ता है वो मैट मैंने यूज़ किया है इसको कंफर्ट करने के लिए। हाँ, यही दो तीन आइट में थी। और सुई धागा तो वो तो मस्ट है ना, अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो वेरी गुड भाई, बल्ले बल्ले। इसके साथ मैं एक जो स्पेशल चीज़ ऐड करना चाहूँगा ये है कि ये जो मैंने सफ़ेद कपड़ा यूज़ किया है इसको मैंने एक दफ़ा पहले अच्छी तरह वॉश किया, यानी इसको मैंने अपने ज़हनी तौर पर भी इसको पाक साफ़ करने की ट्राई की है सर्फ सावन के साथ। तो आप भी जो भी इसके लिए यूज़ करें उसको एक दफ़ा कन्फर्म कर लें कि ये पाक साफ़ हो। अभी बाकी आप वीडियो देखते रहें। कामयाब करे मेरी दुआ, जितनी मेहनत कर दी अल्लाह पहले औलाद की मार दिया। एक काम आपने गलत नहीं कर दिया क्या? मैं बात ज्यादा जो ये आपने जोड़ आगे डाला ना, बड़ा आगे से किया, वो आप पीछे से बड़ा कर दे बेहतर होता। गीले पैरों के निशान जो है ना सफ़ेद कपड़े पे चिपक से जाते हैं, दाग से धब्बे नुमा, लेकिन जो माथे के हैं माथे पे अच्छी तरह वाश होते हैं, दाग नहीं लगते। और वैसे भी सफ़ेद रंग को ज़रा वो नूरानी सा पुरसकून सा रंग मैंने सजदे में रख दिया। सजदे वाली साइड पे कोई नक्शो निगार नहीं, सीधा प्लेन कलर, दी एंड। डी आई वाई प्रोजेक्ट या हैंडी क्राफ्ट्स, ये ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। काइंडली आप अपने बच्चों को इस तरह के हैंडी क्राफ्ट्स या डी आई वाई करने के लिए जो है ना उनको कहा करें, उनको प्रोवोक किया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें, उनको हल्की फुल्की सी चीज़ें यार ला के प्रोवाइड की बच्चों को। अपने मोबाइल के बजाय बच्चे इस तरह की एक्टिविटी में बिज़ी रहेंगे तो काफ़ी अच्छी नशोनुमा हो सकती है, और घर में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी डिज़ाइन वाली बन सकती हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी इंजॉय करो, बच्चों को भी इंजॉय करो। थैंक यू।
अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही मेरा इस्लामिक प्रेयर मैट का DIY कंप्लीट हो गया। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।